आमिर लियाकत मरहूम की तीसरी अहलिया दानिया शाह की गिरफ्तारी पर इनकी वालदा ने बुशरा इकबाल पर बेटी को अगवा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। दानिया शाह की वालदा सलमा नजी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बेटी की गिरफ्तारी पर बात करते हुए अब दीदा हो गईं और आमिर लियाकत की साबता पहली अहलिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बुशरा ही है जिसने सब कुछ किया, बुशरा ही है जिसने केस किया, बुशरा ही ने आमिर लियाकत को कत्ल करवाया और अब मेरी बेटी को अगवा भी करवाया। दानिया की वालदा ने बताया कि कई पुलिस वाले हमारे घर में घुसे और हमें मारा और कहा आपका पड़ोसियों से झगड़ा हुआ है, आप लोग सदर थाने आ जाएं। इसके बाद पुलिस वाले दानिया को बगैर कपड़े तब्दील करवाए लेकर चले गए। जब हम थाने पहुंचे तो वहां पर कोई ना था। सलमा बीबी का मजीद कहना था कि इससे पहले भी बुशरा से हमें धमकियाँ मिली हैं लेकिन हमने सब्र किया और हमें नहीं पता था कि हम पर इतना जुल्म करेगी। हम नहीं जानते थे कि वो इतनी संगदिल और ख़तरनाक हो गई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम माफ़ीनामा लिखने को भी तैयार हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ से इल्तिजा है कि मेरी बच्ची को बचा लें। वाज़ा रहे कि गुज़रिश्ता रोज़ साइबर क्राइम सर्कल ने पंजाब के इलाके लोधरा में कार्रवाई करते हुए मरहूम MNA आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया को गिरफ़्तार कर लिया।